गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर के आज लेक्चर नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन की एंड आइडियल गैस इक्वेशन की। और फिर अभी तक जितने भी गैसेस लो हमने पढ़े हैं, जिसमें बॉयल्स लो है, चार्ल्स लो है, गैल्यूसेक लो है और कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन, इन सभी पे आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, बहुत इम्पोर्टेंट है आज का क्लास, जिसमें हम शुरुआत करेंगे कंबाइंड गैस इक्वेशन से। कंबाइंड गैस इक्वेशन, दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन का लो क्या है वो हम देखते हैं। इन द कंबाइंड गैस इक्वेशन वी आर कंबाइंड हियर फर्स्ट बॉयल्स लो। बच्चों बॉयल्स का लो क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, राइट। एंड इसी में अगर मुझे चार्ल्स का लो बताना है तो चार्ल्स लो क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने इसको नंबर 1 दे दिया एंड इसको नंबर 2 दे दिया। दे आर द टू डिफरेंट इक्वेशन, फर्स्ट वन इज बॉयल्स लो, सेकंड वन इज चार्ल्स लो। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया तो आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर, क्लियर है। प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हम रखेंगे, तो V इक्वल्स टू के टी बाई पी, क्रॉस लेके जाओ तो पी वी इक्वल्स टू क्या हो गया, के टी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वी अपॉन टी, क्या हो गया बच्चों, कॉन्स्टेंट। अगर इसी में इनिशियल फाइनल लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, ये क्या हो गया आपका फाइनली फॉर्मूला आ गया कंबाइंड गैस इक्वेशन का, क्लियर है बच्चों। देखो यहाँ P1 इनिशियल प्रेशर होता है, V1 इनिशियल वॉल्यूम होता है, T1 इनिशियल टेम्परेचर होता है, P2 फाइनल प्रेशर, V2 फाइनल वॉल्यूम एंड T2 फाइनल टेम्परेचर होता है। टोटल 6 वेरिएबल्स है, इनमें से 5 का वैल्यू आपको गिवन होगा एंड 6 वन यू हैव टू कैलकुलेट। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें बच्चों, जो भी टेम्परेचर आप रखेंगे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना है। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा गया हो तो आप उसको वापस कन्वर्ट कर लें, बट यहाँ जो भी टेम्परेचर रखा जाएगा वो किस में होगा, केल्विन स्केल में। इज इट क्लियर टू एनीवन, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, छोटी सी चीज़ है। Have you written all? Now we are moving the next topic is here, ideal gas equation. बच्चों next topic है हमारा ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा पी वी इक्वल्स टू एन आर डी इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, बट हाउ कैन वी ऑब्टेन दिस आइडियल गैस इक्वेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन जो गैसेस लो है उनको आपको ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट वी आर गोइंग विद द बॉयल्स लो, बॉयल्स लो क्या कहता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर एट द
कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स का लॉ है बच्चों, आपने इसको नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर वन, राइट। इसके बाद वही चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, तो आपने इसको नंबर दे दिया टू नंबर। थर्ड वन इज एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रो का लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। फॉर ऑब्टेनिंग आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव टू एड इक्वेशन वन टू एंड थ्री, तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करना है तो आप देखेंगे इस साइड वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ये पी को इधर लेके जाएंगे तो पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, प्रोपोर्शन को हटाना है तो एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, हियर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। और ये क्या होता है, आर क्या होता है बच्चों, गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है जिसका वैल्यू किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पर बदलता नहीं है, राइट। यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है आर, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर डी, इट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल्स टू एन आर डी। यहाँ पी क्या है बच्चों, प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी क्या है टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर टोटल है ना, आर तो कांस्टेंट है, टोटल फोर वेरिएबल्स है, फोर में से थ्री का वैल्यू आपको मिलेगा, फोर्थ वन यू हैव टू कैलकुलेट। देखिए बच्चों अगर इसमें से आपको आर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, आपके पास है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, अगर आपको आर लाना है तो आप क्या करेंगे, पी वी बाई एन टी, यही होगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको जो R कैलकुलेट करना है, R में P का मतलब क्या है, प्रेशर, इनटू V का मतलब वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इनटू T का मतलब टेम्परेचर, और वो किस में लेना है आपको, केल्विन में। अब बच्चों यहाँ पर है ना, प्रेशर का आप अलग अलग यूनिट ले सकते हैं, जैसे प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर भी है या बार भी है, वॉल्यूम में आप मिलीलीटर ले सकते हैं, लीटर ले सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल, एक मोल के लिए बात करेंगे, और टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का अलग अलग यूनिट होता है, तब ये जो आर है ना यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, उसका भी वैल्यू अलग अलग होता है। आपके बुक एनसीईआरटी में एक ही वैल्यू दी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, बट मैं आपको आर की सारी वैल्यूज लिखा देता हूँ अलग अलग यूनिट सिस्टम में, देखिए बच्चों वो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो मैं आपको आर की सारी वैल्यू नोट डाउन करवा देता हूँ, जस्ट यू हैव टू नोट डाउन ऑल द वैल्यूज ऑफ आर, वैल्यूज ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम, एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी आपको काम आएगा, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन योर वैल्यूज ऑफ आर 0.0821 यूनिट सिस्टम होगा इसका, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नेक्स्ट वन इज 82.1, बस आपको सिर्फ यहाँ लीटर की जगह क्या कर लेना है बच्चों, मिलीलीटर, मिलीलीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब की भी बात कर सकते हैं अपन, एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, राइट। नेक्स्ट वन इज 8.314 इंटू 10 रेस टू 7,
कब आएगा? जब अर्ग CGS की बात करेंगे, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स। ऐसे ही 1.987 कैलोरी, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स। 8.314 जूल, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स। ऐसे ही 8.314 इंटू 10^-2 कब आएगा? जब एटमॉस्फेयर की जगह क्या होगा? बार, लीटर, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स। तो बच्चों ये R की कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी है। अलग अलग यूनिट सिस्टम में अगर आप वॉल्यूम लीटर में लेते हैं और प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेते हैं तब R का वैल्यू ये होगा, राइट। जब आपने वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया है तब R का वैल्यू कितना होगा? 82.1। जब आपने प्रेशर जो है वो अर्ग में यूज़ किया है, यहाँ अर्ग, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स, 8.314 इंटू 10^-7। ये जूल एंड अर्ग का रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, 1.987, नियरली 2 हम इसको यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में, है ना। 1.987 केल्विन कैलोरी, केल्विन इन्वर्स, मोल इन्वर्स। ऐसे ही 8.314, ये देखो ये बहुत यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, और ये भी, ये ज़्यादा यूज़ होती है वैल्यूज़, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, कंपटीशन एग्ज़ाम में दी हुई होती है। फिर भी मान लो अगर नहीं दी हुई तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो वैल्यूज़ ऑफ आर आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। वैल्यूज ऑफ आर लिख ली बच्चों। देखो इसमें एक और चीज़ है, डेंसिटी का रिलेशनशिप भी साथ में समझाया है आइडियल गैस इक्वेशन में, तो वो मैं इस साइड लिख देता हूँ। आपको पता है पी वी इक्वल्स टू क्या लिखा है बच्चों? NRT। और यहाँ पर N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो N का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो आप N की जगह ये लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू सब्सटेंस का ग्राम में वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू T, राइट। अब देखिए आप वॉल्यूम को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो P प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो गया? MRT डिवाइडेड बाय V और कैपिटल M। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। वी नो दैट मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी। तो आप m बाई वी की जगह क्या लिख सकते हैं? DRT बाई m। इनको आप एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे आपको m मोलर मास फाइंड करना हो तो DRT बाई p। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। देखिए P4 प्रेशर, D4 डेंसिटी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर केल्विन में, एंड M मोलर मास होगा। तो ये भी आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं उन सभी पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। पहले हम एक NCERT का क्वेश्चन है वो देखेंगे, उसके बाद बॉयस, चार्ल्स, गैल्यूसेक, एवोगैड्रो एंड कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन, इन पर प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों आज की क्लास में हम, राइट। तो फटाफट ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना। मैं इधर से क्लीन कर देता हूँ तब तक आप फटाफट वो नोट डाउन कर लीजिए। ये R की जो वैल्यूज आपने लिखी है ना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना है।
मोस्टली कंपटीशन एग्ज़ाम में वैल्यूज गिवन होती है, फिर भी अगर आपको याद है तो कोई टेंशन नहीं है। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। मैक्सिमम अब प्रैक्टिस ही करना है आपको। जितने भी गैसेस लो आपने पढ़े हैं सभी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 5.3। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी है आपके पास तो आपको क्वेश्चन यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एनसीईआरटी में क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास कंबाइंड गैस इक्वेशन से, आप नोट डाउन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ HG प्रेशर, ए गैस ऑक्यूपाई ml वॉल्यूम। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइएस्ट वह टेम्परेचर। हाइट पर टेम्परेचर क्या है, इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज and volume of gas is 640 milliliter। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें कंबाइंड गैस इक्वेशन आपने पढ़ा था अभी P1V1 upon T1 equals to P2V2 upon T2। कंबाइंड गैस इक्वेशन आपको यूज़ करना है इसमें। देखो, आपको एक प्रेशर दिया गया है 760 mm ऑफ HG, फर्स्ट वॉल्यूम दिया है 600 ml, है ना। टेम्परेचर कितना दिया आपको, T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना आएगा आपको, जस्ट यू हैव टू ऐड 273 ओनली, राइट। ये P1 मिल गया, V1 मिल गया, T1 मिल गया। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। P2 का वैल्यू कितना है, 640 मिलीलीटर एंड T2 का वैल्यू कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ। P1 का वैल्यू कितना है, 760 mm ऑफ HG है, मैंने mm ऑफ HG में रख दिया, क्योंकि जो आंसर आएगा उसको भी mm ऑफ HG में ही कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो ये आपने P1 का वैल्यू रखा बच्चों, V1 का वैल्यू कितना है, 600 ml, राइट। एंड T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। 25 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर रख दिया 298 केल्विन टेम्परेचर इक्वल्स टू P2, यू हैव टू कैलकुलेट V2 कितना है, 640 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय T2, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 283 केल्विन। तो आपने यहाँ कितना रख दिया, 283 केल्विन। बस आपने P2 कैलकुलेट कर लिया, आप अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको तो आपको एग्जैक्टली P2 कितना मिल जाएगा बच्चों, 676.6 mm of HG इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। बच्चों अब कुछ प्रैक्टिस चालू करते हैं हम। प्रैक्टिस में बॉयल्स लॉ से शुरू करते हैं, बॉयल्स, चार्ल्स, गैल्यूसेक, फिर एवोगैड्रो की बात करेंगे, फिर कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन, सभी पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ क्वेश्चन नोट डाउन करते जाएं और फटाफट हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। अभी तक एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन देखे थे, अभी यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाएं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ CL2 गैस सैंपल इज फिल्डेड इन 2.5 लीटर कंटेनर हैविंग प्रेशर four bar. If the pressure is made 10 bar, find its volume. देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। Cl2 गैस है जिसका कि वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 2.5 लीटर। तब आपका प्रेशर कितना है, 4 बार। अगर प्रेशर को 4 बार की जगह 10 बार कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या करेंगे आप, P1V1 = P2V2। देखिए आपके पास P1 है, आपके पास V1 है, आपके पास P2 है और V2 आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से वैल्यू लगा लेंगे आप। V2 लाना है तो क्या करोगे आप, P1V1 / P2। P1 का वैल्यू कितना है बच्चों, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल रहा है 4 बार इंटू वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर डिवाइडेड बाय कितना करेंगे आप 10 बार। तो 4 × 2.5 यानी 10 हो जाएगा, 10/10 = 1। तो आपका Cl2 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 लीटर इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एनीवन, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ O2 गैस
हैविंग प्रेशर, हैविंग प्रेशर 200 मिलीबार प्रेशर है इज फील्डेड इन टू हंड्रेड एम एल बोटल इफ द सेम अमाउंट ऑफ O2 गैस इज फील्डेड इन देखो सिंपल सा काम है, यहाँ क्लोरीन गैस है, यहाँ ऑक्सीजन गैस हो गया, आपको एक प्रेशर दिया गया है 200 मिली बार और वॉल्यूम दिया है 200 ml, है ना, और बाद में वॉल्यूम कितना कर दिया, 2 लीटर कर दिया बोतल का, तो आपको प्रेशर पूछा है। अगेन यू हैव टू अप्लाई बॉयस लॉ, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, आपको क्या कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है, P1 आपके पास है 200 मिली बार, V1 कितना है 200 ml, V2 कितना है 2 लीटर, मतलब कितना ml होगा बच्चों 2000 मिलीलीटर, बस वैल्यू पुट करना है आपको। P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1V1 डिवाइडेड बाय V2, P1 का वैल्यू कितना है 200 मिली बार इंटू V1 का वैल्यू कितना है 200 ml डिवाइडेड बाय कितना है 2000 ml। सिंपल सा है, बहुत सिंपल से कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 20 मिली बार, 20 मिली बार इज द प्रेशर हियर। आ गया आपका आंसर अच्छे से, बहुत सिंपल है, फटाफट कैलकुलेशन करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद का जो प्रैक्टिस सेशन है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।